यूटीवी नेटवर्क में आप सबका इस्तकबाल है। वक्फ बोर्ड ने नामपल्ली टेकी मस्जिद के सामने 130 स्क्वायर यार्ड वक्फ प्रॉपर्टी को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाकर पुलिस की मदद से खाली कर दिया और इस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे लेकर सील कर दिया और सारा इलीगल कब्जे को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया। आइए नाजरीन सुनते हैं सारी तफसील वक्फ बोर्ड के डीएसपी की जुबानी। यूटीवी नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोर्ड के डायरेक्शन के ऊपर ये रहमतुल्ली शाह दरगाह शरीफ और कब्रस्तान की जो जगह है, ये यहाँ पे कुछ होटल और कुछ चीज़ें बनाकर लकड़ी की स्टाल चला रहे थे। इसके ऊपर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल चले गया। ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड के फेवर में कोर्ट आया। इसके बाद ये ट्रिब्यूनल के आर्डर को हाईकोर्ट अलो करा। फिर हम इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट क्लियर डायरेक्शन दिया, 3 महीने के अंदर इसको प्रॉपर्टी को हैंडओवर करने के लिए डायरेक्शन दिया गया। इसके ऊपर हम रेवेन्यू आरडीओ को एज़ पर आरडीओ के एवेक्शन आर्डर के ऊपर वक्फ बोर्ड की टीम आकर प्रॉपर्टी हम हैंडओवर कर लिए हैं। इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है, ये वक्फ़ की प्रॉपर्टी, पीर वक्फ़ की प्रॉपर्टी है। ये जो भी है अल्लाह वाले, अल्लाह के राह में जो प्रॉपर्टी वक्फ़ करे, ऐसे प्रॉपर्टियों को लोग लेकर इलीगल तरीके से मैनिपुलेट करके और कोर्टों तक जाकर आज वक्फ बोर्ड से लड़ा कर रहे हैं, ये गलत है। वक्फ़ की प्रॉपर्टी वक्फ़ की रहेगी, 1000 साल होने दो, क़यामत तक वक्फ़ की रहती। मेहरबानी करके जो भी वक्फ़ की प्रॉपर्टी खाने वाले, वक्फ़ की प्रॉपर्टी लैंड ग्रैबिंग करने वाले, वक्फ़ की प्रॉपर्टी को गलत इस्तेमाल करने वाले के लिए एक मैसेज है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। इसलिए ये वक्फ़ का मामला है, वक्फ़ के मामले में कोई भी कोर्टों तक जाकर यहाँ तक नहीं करना। अगर कोई वक्फ़ की प्रॉपर्टी है मालूम हो गया तो किरायादार बन जाओ, आसानी से किरायादार बन जाओ, आप किराए से रह सकते, आपको किराए से रहने में कोई एतराज़ नहीं है। ये करीब करीब 130 गज 140 के उसके करीब है और इसके तहत बाकी के पूरे प्रॉपर्टियां हैं वो सब किराया दे रहे हैं, वो लोग किरायादार है। ये एक ही जो सो ओनरशिप क्लेम करके लड़ रहे थे, गलत साबित हुआ वक्फ की प्रॉपर्टी। बल्कि टोटल एक्सटेंड लैंड, जो लैंड है दरगाह की, जो लैंड है ना, जो कब्रस्तान की लैंड है, वो पूरी एक्सटेंड लैंड है। उसमें डिस्प्यूट ये 130 का है। ये ट्रिब्यूनल गए पहले, ट्रिब्यूनल वक्फी ट्रिब्यूनल गया, ट्रिब्यूनल क्लियर कट, कभी भी ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट ट्रिब्यूनल टाइटल देखता, टाइटल क्लियर साबित करके वक्फ की प्रॉपर्टी बोला और टाइटल के ऊपर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट अलो किया। उसके बाद हमारे हाईकोर्ट अलो करने के बाद हम क्या करें, उसको अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया, ये इंक्रोचमेंट हुआ ये प्रॉपर्टी का, आर्डर ये पार्टी का। और इसके ताल्लुक से मीडिया के सामने ऐसे हज़ारों के केसे हैं लड़ रहे हैं। इसके ऊपर हमारे सीओ साहब शाहनवाज कासिम साहब, अब अभी वक्फ बोर्ड सलीम सलीम साहब भी चेयरमैन सलीम साहब, ये लोग अभी इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। स्पेशली अब हमारे जो ऑफिस है, हेयर ऑफिशल्स के डायरेक्शन पे हम आए, आरडीओ को डायरेक्शन दिए, आरडीओ कलेक्टर आरडीओ को देने के बाद हम जो है सो हमारे पोजीशन हैंडओवर कर दिए हैं, हैंडओवर कर लिए पोजीशन में, वक्फ के पोजीशन में प्रॉपर्टी ले चुके हैं। ये है बात, अब कितने प्रॉपर्टियाँ कितने केसेस वो अलग लिस्ट। आप इनको हमारा आर्डर सुप्रीम कोर्ट में है, पेंडिंग है।
आप रोकिए, 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 पूरा सुप्रीम कोर्ट में हूँ ऑलरेडी, मैं पूरा वहाँ हूँ और पूरा इनके करतूत है वहाँ डाल रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं बोलता हूँ पूरे केस ठीक है। क्या देख लीजिए सर, इधर पूरा फोटो वाला लोगे, पूरा फोटो वाला काम पहले।